Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So today this video is about the न्यू सिलेबस चेंजेस. सो अभी हमारी जो सीबीएसई की वेबसाइट है उस पर एक न्यू करिकुलम रिलीज हुआ है जिसमें आपके सिलेबस में जो जो चेंजेस आए हैं, जो जो रिडक्शन हुए हैं, जो जो टॉपिक्स हटे हैं, जो जो चैप्टर्स गए हैं, वो सब मैं यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज वंडरिंग कि आपको धीरे धीरे शायद स्कूल से या वैसे पता चल ही जाएगा, बट देन कल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देयर वॉज अ गर्ल जिसने कहा कि आपको ये वीडियो बनानी चाहिए. सो दिस इज ऑन हर रिक्वेस्ट. ऑल्सो देर आर मेनी कमेंट्स जो आ रहे थे अबाउट दिस न्यू सिलेबस बिकॉज काफी लोगों को कन्फ्यूजन है. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इट. देखो सबसे पहले तो जो भी ये हमारा न्यू करिकुलम है इसका मैंने यहाँ पे भी लिंक डाल दिया है. वैसे तो आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है. सो इस लिंक से आप उनका पीडीएफ जो है वो देख सकते हो. नाउ देखो जो वो पीडीएफ है ना उसको समझना इतना प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि वहां पे ऐसे मेंशन नहीं है कि ये चैप्टर डिलीट कर रहे हैं हम, ये टॉपिक हम डिलीट कर रहे हैं. वहां पे बेसिकली क्या है, हर चैप्टर के आपको टॉपिक्स दे रखे हैं. अब ये जो भी वीडियोस बन रहे हैं कि क्या क्या डिडक्शन हुआ है, क्या क्या है, ये इस बेसिस पे बन रहे हैं कि पहले जो करिकुलम था, मतलब जो पहले सिलेबस था, उसमें से क्या क्या टॉपिक इस वाले नए वाले में हट गए हैं. सो वहां से पता चला कि अच्छा जी ये टॉपिक चला गया, ये चैप्टर चला गया. सो उस तरह से बना गया. एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये 21-22 बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन उसकी वजह से सिलेबस में डिडक्शन है. फ्यूचर में रहेगा या नहीं रहेगा देयर इज नो चांस, बट आप लोगों के लिए इस ईयर के लिए तो ये चीज है ही. ठीक है जी. सो नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो अच्छी चीज से स्टार्ट करते हैं. ये दो चैप्टर्स हमारे हैं जो कंप्लीटली डिलीट ही हो चुके हैं. चैप्टर नंबर 5 विच इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, चैप्टर 5 पूरा ही उड़ा दिया है, आएगा ही नहीं, ना टर्म 1 में है ना टर्म 2 में है, मतलब इस चैप्टर को करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. देन है चैप्टर 9. चैप्टर 5 तो फिर भी चलो छोटा सा था, चैप्टर 9 काफी बड़ा सा था और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप भी था. तो दिस इज अ काइंड ऑफ गुड न्यूज आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चैप्टर पूरा कंप्लीटली हट चुका है, इसका कोई क्वेश्चन आपको करने की, तो चैप्टर 9 करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है जी. तो पहली चीज, ये दो चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भूल ही जाओ. आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे एक एक करके टर्म वाइज, जैसे टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, देन उन चैप्टर्स में क्या क्या रिडक्शन हुआ है. सो इस तरह से देखो, टर्म 1 में हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, थर्ड चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकेंड चैप्टर नहीं है टर्म 1 में. ठीक है, जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम होंगे उसमें आपका सेकेंड चैप्टर नहीं है, वो टर्म 2 का है. सो थर्ड चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर 7 है ट्रायंगल्स, चैप्टर 12 है हीरोन्स फॉर्मूला एंड चैप्टर 14 है स्टैटिस्टिक्स. ओके जी. सो ये सारे चैप्टर्स है, ऑल्सो इनके मार्क्स भी है. फर्स्ट चैप्टर 8 मार्क्स का है, देन थर्ड चैप्टर 4 मार्क्स का है, देन फोर्थ चैप्टर 5 मार्क्स का है, एंड देन वी हैव 6th एंड 7th कंबाइंड 13 मार्क्स के है. चैप्टर 12 हमारा 4 मार्क का है एंड चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स हमारा 6 मार्क्स का. अगर आप इसका टोटल करोगे तो आई थिंक 40 बनेगा, बट एग्जाम होगा 50 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स आपके इंटरनल है, वो आपको स्कूल में ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी किस तरह से उसमें क्या क्या होगा. ओके जी. सो ये तो है सिलेबस टर्म 1 में, ये चैप्टर्स आ रहे हैं. ओके जी, आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं. अब मैं एक एक करके आपको बताने वाली हूँ क्या क्या टॉपिक्स गए हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज गई है एंड कौन कौन से एग्जाम्पल्स नहीं करने या कौन कौन से टॉपिक्स छोड़ने. टॉपिक्स मेंशन करना मैंने क्यों जरूरी समझा है, बिकॉज देखो ज्यादातर क्या है, हर कोई ये बता रहा है एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये एक्सरसाइज नहीं आ रही, बट द थिंग इज जब आप प्रिपेयर करते हो, आप आरडी शर्मा से भी प्रिपेयर करते हो, आर एस अग्रवाल से भी करते हो, वैसे भी अलग अलग जगह से आप प्रिपेयर करते हो, तो आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए कि ये टॉपिक नहीं आना, तो उस टॉपिक का क्वेश्चन चाहे आरडी शर्मा का हो चाहे आर एस अग्रवाल का हो आपको नहीं करना. जैसे कि चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में हमारा एक टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन, सो ये टॉपिक अब हमें नहीं करना. सो देखो चैप्टर 1 का टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, तो ये टॉपिक हट गया है. एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज 1.4 आपको नहीं करनी, पूरी एक्सरसाइज आप छोड़ दोगे. ठीक है जी. ऑल्सो जो भी इस टॉपिक के रिलेटेड एग्जाम्पल, देखो टॉपिक को ज्यादा समझ लोगे तो अच्छी चीज है, क्योंकि फिर आप इस टॉपिक के कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस नहीं करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चैप्टर 3 टर्म वाइज चल रहे, चैप्टर 2 हमारा
सेकेंड टर्म का, तो अभी सेकेंड टर्म पे आएंगे तब डिस्कस करेंगे. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ. वैसे भी यार इतना मुश्किल चैप्टर है भी नहीं, सो इस चैप्टर से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, पूरा चैप्टर आपको करना है. आगे बढ़ते हैं. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अब फोर्थ चैप्टर जो है हमारा, इसमें प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये वाले जितने भी क्वेश्चंस थे वो हट गए. मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कहाँ पे है ये. जैसे कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 था, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 था. देखो किस तरह से पता चला, ये देखो एग्जाम्पल 7 है, यहाँ पे ये वर्ड दिख रहा है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे. ये हो गया एग्जाम्पल 7. इसी तरह से 6th क्वेश्चन, इसमें काफी बच्चों को प्रॉब्लम भी होती थी, तो अच्छा है चलो चला गया क्वेश्चन. यहाँ पे भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये क्वेश्चन भी नहीं कर. ओके जी, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स. नथिंग इज डिलीटेड, उसमें से भी कोई भी रिडक्शन नहीं है, पूरे का पूरा चैप्टर करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देन 7th हमारा जो चैप्टर है, इसमें अच्छा तगड़ा सा हमारा है रिडक्शन. ये एक टॉपिक है इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल. कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी हो, अगर वो ट्रायंगल्स की इनइक्वालिटीज वाला है तो वो क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है. एंड अगर हम एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो पूरी आपकी एक्सरसाइज 7.4 कट गई है. पूरी एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सारा इनइक्वालिटीज पे बेस्ड है. ऑल्सो एक्सरसाइज 7.4 वो वैसे भी ऑप्शनल थी, ऑप्शनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, सो वो तो चलो रहने ही दो. एंड ये एक चीज ध्यान रखना, बहुत जगह पे बोला जा रहा है कि जी थ्योरम जो है ASA हट गई है, इसका प्रूफ हटा है, मतलब एग्जाम में आपको ASA प्रूफ करने को नहीं आएगी. इसका प्रूफ भी काफी लंबा चौड़ा था, तो वो हटा. इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन में कहीं अगर ये ASA कॉन्ग्रुएंसी है तो आप कहोगे नहीं नहीं ये तो सिलेबस में ही नहीं, हम यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, इसका प्रूफ हटा है. ओके जी, सो नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12, अगेन इसमें भी बहुत तगड़ा रिडक्शन हुआ है. पूरा हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट. देखो ये चैप्टर बेसिकली दो टॉपिक्स ही मेन थे, एक तो हम हीरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल्स के एरिया निकालते थे, एक हम कोऑर्डिनेटल के एरियाज निकालते थे. तो जो कोऑर्डिनेटल वाला पार्ट है वो कंप्लीटली हट गया है. दैट मीन्स के आपकी फुल एक्सरसाइज 12.2 हट गई है. सो दो ही एक्सरसाइज थी 12.1 और 12.2, 12.2 पूरी हट गई है. बट यहाँ पे आई विल सजेस्ट यू कि आपको क्वेश्चन 6 और 8 करना चाहिए. व्हाई आई एम सेइंग दैट, सी टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेटर वाला कट है. अगर मैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 देखूं तो यहाँ पे अम्ब्रेला की जो बात हो रही है सिर्फ ट्रायंगल्स है, इसमें कोऑर्डिनेटर नहीं है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेटर का पार्ट मेरे हिसाब से तो नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा फ्लोरल डिजाइन वाला, ये वाला, इसमें भी ट्रायंगल्स का यूज है, कोऑर्डिनेटर कहीं नहीं आया. सो क्वेश्चन नंबर 6 और 8 मेरे सजेशन से आपको करना चाहिए क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेटर नहीं है. लास्ट टर्म 1 का जो लास्ट चैप्टर है दैट इज स्टैटिस्टिक्स, सो इसका जो टॉपिक गया है दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. सो जहां पे भी जिस भी क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे एक एक आपको एग्जांपल मेंशन नहीं किया, जहां पे भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आए आपको वो क्वेश्चन नहीं करना. एंड दूसरा जो मेजर चीज डिडक्ट हुई है दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन मीडियन मोड, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था वो पूरा हट गया है. दैट मीन्स कि आपको एक्सरसाइज 14.4 नहीं करनी, पूरी एक्सरसाइज 14.4 छोड़. ओके जी, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है टर्म 1, पूरा टर्म 1 के सिलेबस में जो जो रिडक्शन था मैंने बता दिया है. नाउ वी मूव टू दी सेकेंड टर्म. सो टर्म 2 में कौन कौन से, ऑब्वियसली जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वही सारे आएंगे. देख लेते हैं एक बार, चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स, वो टर्म 2 का हो गया है 12 मार्क्स का. देन 8th चैप्टर है कोऑर्डिनेटरल 6 मार्क्स का. 10th चैप्टर है सर्कल्स 5 मार्क्स का. 11th चैप्टर है कंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स का. 13th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9 मार्क्स का. एंड चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स का. ठीक है, तो ये सभी हमारे चैप्टर्स आएंगे टर्म 2 में. ओके जी, बढ़ते हैं आगे. सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की. तो पॉलिनोमियल्स में जो हमारा टॉपिक गया है दैट इज रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम के काफी सारे क्वेश्चंस हैं. दैट मींस हमारी पहले बात तो पूरी एक्सरसाइज 2.3 नहीं करनी आप लोगों को, रिमाइंडर थ्योरम गई है. एक चीज ध्यान रखना, इसका अगला टॉपिक ही है फैक्टर थ्योरम, वो
कहीं नहीं हुई, तो रिमाइंडर थ्योरम ऐसा नहीं है कि भैया कट भी तो उसका कुछ पता ही नहीं है आपको, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। देखो क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज यूज हो जाती है, एक्सरसाइज 2 पॉइंट की ज्यादा बड़ी तो है नहीं, बट स्टिल ये पूरी एक्सरसाइज हमारी कट गई है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में कोई भी डिडक्शन नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको करना है। नेक्स्ट चैप्टर 10 सर्कल्स की अगर हम बात करें तो उसमें दो थ्योरम्स, चैप्टर में बहुत सारी थ्योरम्स थी, दो थ्योरम्स हैं जो आपको नहीं करनी, दैट इज 10.5 एंड 10.10। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, 10.5 थ्योरम थी, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये थ्योरम नहीं करनी। सिमिलरली 10.10 की 10.10 थ्योरम ये जो पूरी है ये आपको नहीं करनी, ना इनका कुछ प्रूफ करना है ना ये थ्योरम आपको पता भी नहीं होंगी तो चलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा है चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। सो इसका जो टॉपिक गया है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल। सो बेसिकली जितने भी आपको कंस्ट्रक्शन के आते थे ना कि आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर दे दिया कि जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इतना है, अब आप जी बताओ उसका पेरीमीटर दे दिया एक तरह से और आपको बेस एंगल दे दिया जिसको कंस्ट्रक्ट करो, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं करने। बुक में देखोगे तो एनसीईआरटी का फर्स्ट जो एग्जांपल है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, छोड़ देना। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस टाइप का है, छोड़ देना। अगेन टॉपिक याद रखना जरूरी है, बिकॉज अगर आप आरटी शर्मा से करो तब भी ध्यान रखना कि भैया इस टाइप का क्वेश्चन की प्रैक्टिस मुझे नहीं करनी। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। काफी बड़ा चैप्टर है बट इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ, पूरा चैप्टर करना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, वो भी पूरा चैप्टर करना है, उसमें से भी कुछ भी आंसर नहीं हुआ। सो ये था हमारा पूरा सिलेबस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या रिडक्शन हुआ है, जो भी चीजें हैं सब समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट्स बिलो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। वन लास्ट थिंग, जो भी यहाँ पे मैं चैप्टर्स अपलोड करूंगी, आई एम गोइंग टू अपलोड एवरीथिंग, बिकॉज देखो ये इस ईयर का, आई डोंट नो नेक्स्ट ईयर ये चीज होती है या नहीं, या किसी स्कूल में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो आई एम गोइंग टू अपलोड एवरीथिंग, बट हाँ टर्म वाइज चलेगा, जैसे अब टर्म 1 के जो चैप्टर्स है ऑफकोर्स पहले वही चैप्टर्स आएंगे एंड देन टर्म 2 के चैप्टर्स आएंगे। ओके जी, सो दैट्स इट। ऑल्सो ये जो पूरा PDF था, अगर आपको चाहिए तो नीचे आई लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन से, वहां पे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके जी, सो नाउ आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।